तो हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर फ्रेश वीडियो में आपका दोस्त एंड होस्ट सईद खान तो करें हमारे यूट्यूब चैनल जिद्दी पढ़ान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खैर खैर होंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमारा एक न्यू इवेंट आ चुका है लक कुरैल में, उसमें हम स्पिन करने वाले हैं। देखते हैं हमें कितने स्पिन पे मिलने वाला है ये बंडल। तो दोस्तों बिल्कुल वीडियो एंड तक देखने, दरमियान में स्किप मत करना। अगर वीडियो अच्छी लगती है एक लाइक करना, चैनल पर हमारी पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेट करना ताकि हमारे हर नए आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सिंपली करते हैं फर्स्ट 600 का स्पिन करते हैं, देखते हैं हमें कितने स्पिन पे ये मिलने वाला है। और साथ ही यार इनक्यूबेटर भी निकालेंगे, आपको बताएं कि इनक्यूबेटर जो है किस तरह दिखने वाला है। तो फाइनली वन पंच मैन का जो इमोट फर्स्ट ही स्पिन में यार हमें मिल चुका है, फर्स्ट स्पिन में हमें मिल चुका है। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फिर से करते हैं 600 का स्पिन और देखते हैं और क्या हमें ये बंडल डायरेक्ट मिल पाएगा, यानी टोकन पर हम एक्सचेंज करेंगे। तो देखते हैं कितने टोकन हमें मिल जाते हैं। तो बहुत सारे टोकन हमें मिल चुके हैं। ओके कर देंगे। यहाँ पर तकरीबन 1200 डायमंड हम लगा चुके। एक और करते हैं स्पिन और स्पिन करने के बाद हमें मिल चुका है फाइनली गोल्डन बॉक्स मिल चुका है। और यहाँ पर हमें जो इमोट है दोबारा से मिल चुका है, इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद चलते अब ये एक्सचेंज ऑप्शन पे चलते हैं और देखते हैं क्या हमें ये सारी चीज़ें जो है परमानेंट मिल चुकी है या नहीं। सिंपली यार इसको करते हैं ओके। ओके करने के बाद रिडीम स्टोर पे जाते हैं और देखते हैं क्या सारी चीज़ें जो है मेरे पास परमानेंट हो चुकी है या नहीं। तो यहाँ पर सिंपली इस पर आ जाते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास हो चुके हैं कितने टोकन, 46। ये अपने हमें चाहिए 56। यहाँ पर सिंपली इसको और करते हैं स्पिन और देखते हैं क्या इस बार हमें ये परमानेंट मिल पाता है या नहीं। सिंपली एक और कर लिया स्पिन 600 डायमंड्स का और यहाँ पर यार मुझे 10 टोकन भी मिल गए यार, 10 टोकन भी मिल गए, यानी बैकपैक और ये बंडल दोनों हम ले सकते हैं। इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अब चलते हैं स्टोर पे और स्टोर पे यहाँ पर रिडीम करते हैं अपने बंडल को, जो कि बहुत ही ओपी है यार। यहाँ पर 56 टोकन पे इसको हम पहले कर देते हैं रिडीम। और रिडीम करने के बाद आज देख सकते हो फाइनली हमें जो न्यू बंडल है सतीमा का वन पंच मैन बंडल वो फाइनली मिल चुका है। ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर अब ये बैकपैक जो है ये भी फाइनली हमें मिल चुका है। इसका है लेवल 3, ये इसका है लेवल 2, ये इसका है लेवल। बहुत यार ओपी बैग यार, मुख्तलिफ लेवल 1 पे एक और बहुत ही ओपी यार दिख रहा है, लेवल 2 पे और ज़्यादा बहुत ही ख़तरनाक दिख रहा है और लेवल 3 पे तो यार क्या ही बात करें। इसको भी कर लेते हैं एक्सचेंज, 18 टोकन पे हमें मिलने वाला है। इसको कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर सिंपली हम अब चलते हैं लक रॉयल में और लक रॉयल में इनक्यूबेटर को करते हैं एक्सचेंज, क्योंकि मैंने पहले से निकाल कर रख लिया है। और यहाँ पर इसको भी एक्सचेंज कर लेते हैं। 3 ब्लूप्रिंट और 14 एवोल्यूशन पे हमें ये मिलने वाला है। तो सिंपल इसको भी कर लेते हैं एक्सचेंज, जो कि बहुत ही ओपी है यार, बहुत ही ओपी है। तो इसको भी एक्सचेंज कर लेते हैं। इसका है डबल डैमेज और सिंगल रेट ऑफ फायर। और इसको पिंक वाले को देकर आपको सिंगल डैमेज है और डबल आर्मर प्रोटेक्शन है। और यहाँ पर ब्लू वाले को देखो तो यार सिंगल रेंज और डबल एक्यूरेसी इसकी। और ग्रीन वाले की बात करें तो यार डबल रेंज और सिंगल एक्यूरेसी। तो यार सिंपली मुझे चाहिए ये वाला, क्योंकि मुझे चाहिए रेट ऑफ फायर वाला। रेट ऑफ फायर हेडशॉट बहुत ही आसानी से ज़्यादा लग जाते हैं। तो सिंपली कर लेते हैं एक्सचेंज। और एक्सचेंज करने के बाद आप देख सकते हो फाइनली जो P90 का स्किन है वो हमें मिल चुका है। सिंपली ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमें ये P90 का स्किन भी मिल चुका है। इसको करते हैं क्विक इक्विप। और क्विक इक्विप करने के बाद अब चाहते हैं विलेज में आपको हमें जो चीज़ मिले वो सब आपको बता दें, जो बहुत ही ओपी है। आप हमें कुछ क्रेट्स मिल चुके हैं लेकिन ये कुछ काम के नहीं है। यहाँ पर वन पंच मैन का जो ये बंडल है फाइनली हमें मिल चुका है टकले वाला। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ यार आपको वीडियो बहुत अच्छी होगी, लगी होगी, वीडियो में बहुत मज़ा आ चुका होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए इवेंट के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।